जुनेद के कान में ये बात डालने की देर है कि क्यों 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 सेकंड लगाएगा तुम्हें इस घर से चलता करेगा। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। आप किस बारे में बात कर रही हैं मैं? तुम्हारे और उमर के माजी के कल किस्से सुने मैंने। जिस्म पे लगा निशान तो फिर मिट जाता है, पर जो ताक किस्मत पे लग जाए ना वो नहीं मिटता। सोचो तो सही, अगर ये राज मैं जुनेद को बता दूं तो बता दे। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जुनेद को जानती हूं। बहुत सी मनपसंद चीजें उसके दिल से उतर जाती हैं, पता है क्यों? क्योंकि जुनेद के मिजाज में है ही नहीं कि जिस चीज पर किसी और का दिल आ जाए और वो उसे अपने इस्तेमाल में रखे। सोचो, जब वो अपनी चीजों के बारे में इतना टची है, तुम तो फिर उसकी बीवी हो। और यहां तो बात उसके छोटे और लाडले भाई की है। बस जुनेद के कान में ये बात डालने की देर है कि क्यों 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 सेकंड लगाएगा तुम्हें इस घर से चलता करेगा। आप चाहती क्या है? अब आई ना तो पॉइंट में, इस घर से चली जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा घर है। तो ठीक है, फिर बेइज्जत होकर इस घर से निकाले जाने का इंतजार करो, क्योंकि मैं जुनेद को जिस अंदाज में बताऊंगी उसके बाद तो तुम खुद समझदार हो। अब तुम पर है, इज्जत और खामोशी से इस घर से जाओगी या